मुरादाबाद देहात विधानसभा से हाजी नासिर कुरैशी ने कई हजार वोटों से विजय हासिल की है। विजय हासिल करने के बाद लगातार बधाई और स्वागतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुरादाबाद के असालतपुरा स्थित हाजी नासिर कुरैशी के कैंप कार्यालय पर भारी संख्या में पहुंचे समर्थक व कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित विधायक का फूल मालाएं पहनाने के साथ जोरदार स्वागत किया और साथ ही हाजी नासिर कुरैशी को बधाई भी दी गई। इस दौरान हाजी नासिर कुरैशी ने सभी समर्थक व कार्यकर्ताओं को मिठाई बांटकर अपनी खुशियों में सभी को शामिल किया। सिटी चैनल से बात करते हुए नवनिर्वाचित विधायक हाजी नासिर कुरैशी का ये कहना है कि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं अपनी क्षेत्र की जनता की प्रत्येक समस्या का समाधान करूँ और विकास की ओर आगे ले जाने के लिए अपना भरपूर योगदान दूं। अपने क्षेत्र में तेजी के साथ विकास कार्य किए जाएंगे और इसी कार्य को लेकर मैं लगातार काम करता रहूंगा। इस दौरान उन्होंने मुरादाबाद देहात विधानसभा की सभी जनता का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि जो प्यार उन्होंने उनको वोटों के जरिए दिया है वो उसे कभी भुला नहीं पाएंगे। ये सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और देहात विधानसभा 27 के जितने भी जनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, जैसे ही कल लोगों को पता चला और आज उन्हें ये पता चला कि हाजी जी चुनाव जीत गए हैं, तो सुबह से एक तांता लगा है और लोग आन करके बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं सभी देहात विधानसभा 27 की आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत उनकी है जो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और इतने भारी मतों से मुझे जिताने का काम किया। मैं उन लोगों से आश्वासन दे रहा हूँ और ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी खिदमत गुजारी को कबूल किया है और वो अल्लाह ताला मुझसे काम लेना चाहता है, तो इंशाअल्लाह मैं देहात विधानसभा 27 की आवाम का जहाँ भी जो कोई काम मुझसे पड़ेगा और रात के 3 बजे भी अगर उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह मैं कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ा रहने का काम करूँगा और हमेशा मैं उनके साथ उनके परिवार की तरह उनके साथ रहूँगा, इसी के साथ। क्या मानते हैं कि अभी कभी आपने यह सोचा था कि सरकार बनेगी तो और बेहतर हो सकता था, मगर देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि अगर गवर्नमेंट बन जाती तो आज अल्लाह ताला ने ताज पहनाया है, इस ताज में हीरे जड़ जाते, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे एक जिम्मेदार बनाया है इस देहात विधानसभा 27 का। इंशाअल्लाह हमारे जितनी भी देहात विधानसभा 27 की आवाम है, हिंदू या मुसलमान, उनका जो भी कोई काम होगा और मेरे लायक होगा तो इंशाअल्लाह उसको करने में कभी कुरेज नहीं करूँगा, हमेशा उनके साथ रहूँगा।